दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का 21वां मैच खेला गया ग्रुप डी के मुकाबले में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का। यह मैच खेला गया नासाउ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 113 रन बनाए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे। डिकॉक ने 18 रन का योगदान दिया। रिजा हेंड्रिक्स बिना खाता खोले आउट हो गए। मार्करम ने 4 रन बनाया। स्टब्स भी बिना खाता खोले चले गए। क्लासन और डेविड मिलर की शानदार पारी देखने को मिली। क्लासन ने शानदार 46 रन और मिलर ने भी 29 रन का योगदान दिया। मार्को जॉनसन और केशव महाराज ने 5 और 4 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। तंजीम सकीब ने 3 विकेट लिए। तस्कीन अहमद ने 2 विकेट लिए। रिशाद हुसैन ने भी 1 विकेट लिया। 114 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही। तंजीद हसन ने केवल 9 रन बनाए, वहीं कैप्टन संतो ने 14 रन बनाए। लिटन दास ने 9 रन बनाए। साकिब ने 3 रन बनाए। हृदय ने 37 रन बनाए सबसे ज़्यादा। महमदुल्ला ने 20 रन बनाए। जाकिर अली ने 8 रन बनाया। तस्कीन अहमद 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश केवल 109 रन ही बना सकी 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर, और यह मुकाबला साउथ अफ्रीका 4 रन से जीत गया। सबसे बड़ी बात तो यह रही, केशव महाराज ने लास्ट ओवर किया और 11 रन बचाने थे, वो भी बचा लिए। केशव महाराज की बॉलिंग पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे और अपना राय दें इस मैच में। क्या बांग्लादेश 114 रन बना सकती थी? आप लोग अपना राय दें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।